नमस्ते। शुभदा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी का पहला लेसन पढ़ने वाले। ये हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक। ये अनुक्रमणिका और ये पहला पाठ। पाठ का नाम है नवनिर्माण। कवि त्रिलोचन ने ये कविता लिखी है। त्रिलोचन के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। उसके बाद उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृति का नाम दिया गया है, विधा परिचय, चतुष्पदी, इसी छंद में नवनिर्माण की कविता लिखी गई है। इस कविता का पाठ परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नवनिर्माण कविता की पहले दोनों पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। अगली पंक्तियाँ ठीक से पढ़िए। त्रिलोचन कवि के चुनी गई कविता के संग्रह में से ये कविता ली गई है। इस कविता में आए हुए कुछ शब्दार्थ, व्योम यानी आकाश, सहचर यानी साथ साथ चलने वाला मित्र, सिद्धि यानी सफलता और मित यानी मित्र दोस्त। इसके बाद हम नवनिर्माण कविता के स्वाध्याय प्रश्न के आंसर पढ़ने वाले हैं। आकलन कृति में पहला प्रश्न पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, उसका आंसर देखिए। पीड़ित को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। दूसरा, आ जिसे मंजिल का पता रहता है, उत्तर पथ के संकट को सहता है। दो, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। इसी प्रकार आकलन कृति आपको पूरी करनी है। अगला प्रश्न शब्द संपदा की ओर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, नीति, इसका वाक्य में प्रयोग है। अनीति, अर्थ है अनीति। उपसर्ग युक्त शब्द तैयार किया गया है नीति का, अनीति, और इसका वाक्य है हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। दूसरा शब्द दिया गया है बल, इसका उपसर्ग युक्त शब्द है सबल, और उसका वाक्य है सबल व्यक्ति को निर्बल बल, निर्बल का बल बनना चाहिए। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति के लिए, दो प्रश्न दिए गए हैं। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और दूसरा है आ समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इस पर अपने विचार लिखें। इन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको उसका उत्तर भेजूँगी। अगला प्रश्न है रसास्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। एक, रचनाकार का नाम त्रिलोचन वासुदेव सिंह। दो, पसंद की पंक्तियां बल नहीं होता सताने के लिए।
3 पसंद आने के कारण। इन पंक्तियों में कवि ने बल का सदुपयोग करने का अनमोल संदेश दिया है। 4 कविता का केंद्रीय भाव। यहाँ कवि ने संघर्ष करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, एक दूसरे से प्रेम करने, लिंग भेद को खत्म करने का संदेश दिया है। अगला प्रश्न साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की तरफ से। प्रश्न 5 अ चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चौपाई की तरह इसमें 4 चरण होते हैं। भाव व विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। आ त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, एक गुलाब और बुलबुल और दूसरा है धरती। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला वाक्य अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। इसका उत्तर है अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। है और नहीं में बदलाव करना है आपको। दूसरा वाक्य शुद्ध करके मैं पढ़ती हूँ, परंतु अज्ञान भी अपराध है। 3 उसके सत्य की पराजय हो जाती है। 4 प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। 5 दिलीप अपने माता पिता की एकलौती संतान था। 6 शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। 7 उसमें फूल बिछा दे। 8 कहाँ खो गई है आप। 9 मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और 10 हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गए। इसी तरह से आज हमने त्रिलोचन जी का पहले कविता नवनिर्माण, इसका स्वाध्याय कार्य यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम निराला भाई का इस पाठ का पाठ पढ़ने वाले हैं और उसका स्वाध्याय लेखन ही करने वाले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अगले पाठ का स्वाध्याय लेखन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके रखना। थैंक यू।